अब हम चाह रहे हैं भी कि क्लास में हमारे ऊपर चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है भावना जोशी जिसका ये व्लॉग है। वो अभी असाइनमेंट में लगी है और वो अपने खूबसूरती का ध्यान रखते हुए असाइनमेंट कर रही है। इधर बोल रही है मुझे इधर से लो इधर से ताकि मेरा एंगल अच्छा है। और ये कोमल, इसने असाइनमेंट्स आधा किए हैं और आधा ये फ़ोन में लगी है, देखते हैं क्या चला रही है। वो पर्सनल है, वो हम आपको नहीं दिखा सकते गाइस, सॉरी गाइस, प्लीज़ गाइस माफ़ करें हमें। तो आप ये भावना को देखें, ये पता है बस फ़ोटो के लिए ऐसे कर रही है, लिख कुछ नहीं रही है, लिखेगी ये वीडियो के बाद। देखिए इसको कंफ्यूजन हो रहा है, ये सोच रही कहीं मेरा वीडियो ख़राब ना हो जाए। अरे लिख नहीं रहा था। ये देखिए अभी स्टार्ट हो गई है ये लिखना। ये देखिए आप नज़दीक से मिलिए। और ये असाइनमेंट कर रहे थे कुछ देर पहले, बट अभी हेलो बोल रहे हैं सबको, तो आप भी हेलो बोल दीजिए। और ये शुभम पनवर जो कि असाइनमेंट में लगे हुए हैं, से हेलो टू शुभम पनवर। और ये अभिषेक, इसे देखिए, ये भी असाइनमेंट में लगा हुआ है और पता नहीं किस किस से बात करता रहता है, रात रात भर इसके फ़ोन बिजी आते हैं। मैं जब भी इसको कॉल करती हूँ काम के लिए, कभी इसका फ़ोन बिजी रहता है, हमेशा बिजी आता है, लेकिन ऐसा है कि कभी फ़ोन काटता नहीं है, दोबारा रिटर्न कॉल करता है मुझे। तो फ्रेंड्स अभी हम ये असाइनमेंट कर रहे हैं, उसके बाद तो फ्रेंड्स देखिए, आप सोच रहे होंगे अभी तक कि कौन बोल रहा था वीडियो में, तो देखिए ये लड़की बोल रही थी, ये हमारी क्लास की है, बहुत नॉटी लड़की है, ये बोल रही थी। इसका भी ब्लॉग चैनल है एक, किस नाम से है, स्वरा चंदा नाम से, जिसपे प्रैंक करती है क्लास लड़कों के साथ ही। तो पक्का देखिएगा, ये बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाती है। आज ही एक नया ब्लॉग भी आया है इसका, कुछ दिन बाद फिर हम आपको नया ब्लॉग लाते रहेंगे। वैसे आप देख लीजिए चैनल, तो आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय। देखिए इन दीदी को देखिए जरा, सुबह तो ऐसी जाती है, टाइम आप मेरे पास वॉच नहीं, तो मैं आपको दिखा देती, कम से कम टाइम हो रहा होगा 1:30 बजे। आप जगह देख सकते हो कितनी प्यारी है, ये क्या लिखा हुआ है, ये जल्दी करें। तो फ्रेंड्स देखो ब्लॉग के चक्कर में मैं तुम्हें बाल बना के नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं जाती। और गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स देखिए, आपको बहुत समय बाद बाकी हमारे ब्लॉग में देखने को मिल रही होगी। तो अभी हम जा रहे हैं मैम के पास कुछ रुपीज़ एक्सचेंज करने, तो यहाँ पे छोटी सर का ऑफिस भी है। तो चलिए अब हम आपसे फिर से मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं अभी कैफ़े में, क्योंकि मुझको बहुत भूख लग रही है, क्योंकि इसको वासी बहुत दिनों बाद मिली है, वासी को लौटना चाहेगी अब। हाँ, तो वासी को भले ही वासी के पास 5 रुपये भी ना हो, तो हम जा रहे हैं। सूरज ने अलग से अकाउंट खुलवाया है वह तेरे लिए, मतलब कि मैं तेरे को पैसे भेज दूँगा और वासी तेरे को खिलाती रहेगी। तो हम जा रहे हैं कैफे, और वो है हमारी क्लास कक्षा। हम कक्षा कक्षा कैसे बोलते हैं, कक्षा। फ्रेंड्स हम आपको क्या बोलते हैं उसको, यार भावना ने मेरा दिमाग खा लिया इसने। इसको फिर फोन कर दिया। तो फ्रेंड्स हम ये कैफे से लाए आलू भुजिया खा रहे हैं। हाँ जी बताओ। दो पराठे आई थी हम दोनों ने खाए, अभी कर रही मैं पहले उससे। तो इसके बाद फिर हम जाएंगे क्लास में, हमारा
1:35 से लेक्चर है, 1:35 से हमारा साढ़े तीन बजे तक लेक्चर है, देन हम उसके बाद जाएंगे घर, फिर आपको आगे का ब्लॉग। अभी मेरी बात नहीं उनसे, बात का अभी हमारा क्लास है तो हम क्लास में ब्लॉग नहीं शूट करते। ठीक, बाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ही आई थी लड़की, देख कभी कभी तो आती है ये लड़की, और आज ही आई है। आज तो क्लास ही कैंसिल हो गई है, सिर्फ सुबह से एक क्लास हुई है और सारी क्लासेस कैंसिल हो गई है। ओवर स्मार्ट बनी थी, इसने बोला कि एक लेक्चर में क्यों हूं, बाकी दो लेक्चर भी कैंसिल हो गए। हां बाकी दो लेक्चर भी कैंसिल, मैंने एक और मैंने समोसा खा सकती थी 20 रुपए 20 आने जाने के, चलो भी तो है वापस। हां इसको भी तो लेके जाने 10 रुपए इसके मेरे पास नहीं है, पड़े हुए। अबे हां पैसों की कमी होते हुए प्लीज डोनेट करें, आईडी नंबर दे देना अपना, हाँ हम आपको चुपके खाते में चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए ये सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, कोई लेक्चर नहीं है, ये जा रहे हैं, बाय। तो फ्रेंड्स अभी सब जा चुके हैं, तो हम अभी आए हैं ड्राइंग हॉल में, तो यहाँ पे सुषमा है जिसने कैमरे को देख के मुँह छुपा लिया है, देखिए, और वो मेघा भी है वहाँ पे, इन खट्टों में छुप रखी है वो कहीं, वो भी छुप चुकी है। तो ये वाशवी आ गई है, ये वाशवी आ गई। अनार भारती मैम के दोनों असाइनमेंट 4 तारीख को देने हैं, मेरे बर्थडे वाले दिन। हम बैठे हैं यहाँ ड्राइंग हॉल में, अब हम यहाँ पे ड्राइंग करेंगे क्योंकि हमारी क्लास तो है नहीं, तो अब हम यहीं बैठ के ड्राइंग करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए हमारे विंडोज भी फ्रंट व्यू कॉलेज का, तो वो जो आपको सामने दिख रहा है ना वो बॉयज़ हॉस्टल है, और वो वहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड है, ये जो दिख रहा है ना इधर जहाँ एक्टिविटी है, ये हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है, ये सारी हमारी मैनेजमेंट की क्लासेज हैं, ये सारी बबीता की क्लास है, ये बबीता की क्लास है, और ये तो हमारी क्लास है, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, और ये लोग सारे जा रहे हैं, मेरे को छोड़ के अभी अकेली हूँ, और मेरे को अकेले बैठना पड़ेगा यहाँ पे, अभी कहीं जल्दी 4:30 बज रहा है, और अभी कहीं बज रहे हैं, अब 4:30 बजे ही आना है। देखिए वाशवी जा चुकी है मुझे छोड़ के, बाय। ये मेरी फ्रेंड है जिसके साथ मैं इस कॉलेज पे आई थी, यही मुझे इस कॉलेज में लेके आई है, इसी के चक्कर में मैं इस कॉलेज में आई हूँ, ठीक है। तो पहले इसने मुझे फंसाया है, पहले मैं जा रही थी, कहाँ जा रही था, श्रीमती तारा होटल में ना, श्रीमती तारावती में जा रहे थे हम, फिर उसके बाद हम मदरहुड भी गए थे, मदरहुड की सॉरी कोर, फिर हम कोर भी गए थे, लेकिन ये मुझे लेकर आई यहाँ, ठीक है, ये मुझे लेकर आई यहाँ, तो इसकी वजह से इसकी देन है कि मैं इस कॉलेज में हूँ, हालांकि मैं इस कॉलेज में खुश बहुत हूँ, ऐसी बात नहीं है, तारीफ सुन रही, मैं खुश हूँ इस कॉलेज में, ऐसी बात नहीं है कि हमारा कॉलेज अच्छा नहीं है, हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, बस कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है तब मुझसे निकल जाता है, पर हमारा कॉलेज वैसे बहुत अच्छा है, आप आ सकते हैं हमारे कॉलेज में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस कॉलेज में आने में और जाने में भी, तो आप ज़रूर आइए इस कॉलेज में। तो मेघा आप तो हमारी ये ना हमारी जो ये मेरी फ्रेंड है ना, ये गढ़वाली है, गढ़वाली पहाड़ी, तो ये बहुत टैलेंटेड, देखिए मेरी इस फ्रेंड का ना एक और टैलेंट भी है, आ गई मेघा, दिखा अपना टैलेंट वो हाथ वाला। तो फ्रेंड्स देखिए ये अपनी उंगली ना यहाँ तक पहुँचा देती है, कहाँ तक, अंगूठा, ये अपना अंगूठा ना पूरा पीछे तक, बहुत फ्लेक्सिबल है इसका वाला थंब, तो ये अपना फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है ना तेरे अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए अभी शाम के बज चुके हैं 4, तो अब हम जाएंगे, अब हमारी बस जाएगी 4:30 बजे, तो अभी हमें बहुत भूख लग रही थी, तो एक
कनक ने मेरे को कुरकुरे का पैकेट दिलाया है, तो अब हम ये कुरकुरे का पैकेट खाएंगे क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी, कंट्रोल नहीं हो रही थी भूख, इसलिए कनक ने मेरे को एक कुरकुरे का पैकेट दिलाया अब खाऊंगी तो मैं खुद ही। तो फ्रेंड्स देखो ये मेरी फ्रेंड है, बीएससी कौन सा है तो बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स की, तो देखिए बहुत इंटेलिजेंट है। अरे बस तो चलिए फ्रेंड्स अब हम ये अपना कुरकुरे फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं बाद में, बाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आपको अपनी बस दिखाते हैं, देखिए हमारी बस है, तो देखिए ये है हमारी बस, दिखाई हमारी बस को, ये देखिए। चलिए अब हमारी बस में चलते हैं, हम अपने दोस्तों की बस में, बस बस हम दिखाने चले, बहुत हो गया तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बस से उतर रहे हैं। हम जा रहे हैं घर को, हम बस से उतर चुके हैं तो अब हम जा रहे हैं घर, इसके बाद अब घर जाके देखते हैं कि क्या होता है। मम्मी अभी गई है मार्केट, मम्मी का फ़ोन आया था, उसके बाद मैंने मम्मी से मंगाए हैं वाइट रसगुल्ले, अब देखते हैं कि मम्मी लाती हैं कि नहीं लाती हैं वाइट रसगुल्ले, फिर आपसे रसगुल्ले खाते हुए मिलेंगे। तो अभी यहाँ से बस से घर तक का डिस्टेंस मेरा अराउंड 5 मिनट्स लगेंगे, फिर आपसे सीधा घर पे मिलेंगे। आज कनक भी आ रही है मेरे साथ घर में, तो देखते हैं, चलो आज कनक मेरे घर आ रही है फर्स्ट टाइम, तो चलिए। ये हमारी कॉलोनी का रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे पूरा रेलवे ट्रैक है, फिर उस साइड जो फ्रंट में है ना वहाँ पूरी शॉप्स वगैरह हैं, मतलब हमारे भाई तो गिर जाइयो तो हमारी ना गली के बाहर ही सारा सामान अवेलेबल होता है, मतलब हमें जो भी सामान लेना है ना हम सब घर से बाहर निकलते हैं, घर गली के बाहर ही बहुत मतलब सारी ग्रॉसरी मिल जाती है, हमारी सारा सामान है यहाँ पे, चाहे वो फूड आइटम से रिलेटेड हो, चाहे वो मतलब चाहे फास्ट फूड फूड मतलब ग्रॉसरी से रिलेटेड हो, सब मिल जाते हैं। चल भाई चल, देखिए हमारे यहाँ की गली, यहाँ गली बन रही है, यहाँ कुछ टाइम पहले स्विमिंग पूल हुआ करता था, यहाँ पहले स्विमिंग पूल हुआ करता था, यहाँ पे पूरा लोगों को गोवा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ना, इतना पीड़ा ही बोलो वाटर पार्क में, यहीं पे तैरते हो साथ के साथ सब, यहीं तैरते यहीं पर ही यहाँ से। हाँ वो तो अब रोड बन गई है, ये रोड हर साल में 2 बार बनती है, हर साल में 2 बार, पर ये रोड अभी तक बनी नहीं है, अभी भी इसको दो तीन बार और बनेगी ये रोड, तभी नहीं बन पाई। तो चलो फ्रेंड्स अब हम आपको सीधा घर में मिलते हैं, हम बहुत थक चुके हैं, अब कनक घर जा रही है। बाय 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 कनक, ये सृष्टि। तो अब कनक कल आएगी मेरी वीडियोस बनाने के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स में, नानी प्रणाम। अब YouTube Shorts में वो कल मेरी वीडियो बनाने के लिए आएगी, तो चलिए अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ, अब देखते हैं क्या होता है अब आगे, तो चलिए फ्रेंड्स बाय।